स्टार्ट न्यू चैप्टर। चैप्टर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड चैप्टर 5 का नाम है पीरियोडिक टेबल। अब जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये दिखता कैसे है? ऐसे दिखता है। इस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें कौन सी हैं? ग्रुप एंड पीरियड। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप एंड पीरियड। अब ये ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होते हैं? ग्रुप होता है वर्टिकल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। जो ये आपकी वर्टिकल रोज है ना, इन वर्टिकल रोज को हम कहते हैं ग्रुप, और ये टोटल वर्टिकल रोज है 18। अब देखो आपने 9th में 1 to 20 एलिमेंट याद किए हुए हैं, तो आपको सिर्फ 20 एलिमेंट याद हैं। जो हमारा आजकल लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें मोर देन 114 एलिमेंट्स हैं, मतलब नियर अराउंड 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो इसमें से आपको सारे याद नहीं रखने, आपको 20 ही याद रखने हैं। बाकी जहां पे जो चीज की जरूरत होगी वो मैं बताऊंगा। जैसे मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, जरा समझना। ये ग्रुप वन है, ये है ना ग्रुप वन। देखो ध्यान से, ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो ये ग्रुप वन है पूरा, ये ग्रुप टू है। ऐसे ही यहाँ पे आप जाओगे वर्टिकल रोज, यानी वर्टिकल रोज कितनी है? 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप है 18 एंड ये वर्टिकल रोज होती है, और हॉरिजॉन्टल रोज। जैसे ये पीरियड वन, ये ऐसे पढ़ना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पीरियड टू, पीरियड थ्री, पीरियड फोर, पीरियड फाइव, पीरियड सिक्स, पीरियड सेवन। तो आपके हॉरिजॉन्टल रोज 7 है, यानी पीरियड 7 है। तो आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका ग्रुप होता है, ग्रुप होता है आपका वर्टिकल, एंड पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल रोज 7 है। सो जस्ट कीप दीज थिंग इन योर माइंड, और इसके ना आप शॉर्टकट भी बना के याद कर सकते हो। देखो कैसे बनेगा शॉर्टकट। जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, तो इसका शॉर्टकट ना ऐसे बना सकते हो। एच से किसी का नाम बना दो, हमारी, LINA जोड़ दो, लीना की, रब से फरियाद। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बना के पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हो। तो इसमें से कुछ शॉर्टकट मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आर चैप्टर स्टार्ट हियर, पीरियोडिक टेबल। देखो जो हमारा चैप्टर है, तो हमारे चैप्टर का चैप्टर जो है हमारा, दैट इज चैप्टर 5 ऑफ चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, दिस इज योर चैप्टर पीरियोडिक टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। तो जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया, तो यहाँ पे हमारे पास 118 एलिमेंट है, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है एट प्रेजेंट देयर आर 114 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। अराउंड द ईयर 1800 ओनली 13 एलिमेंट्स वर नोन। All these had seemingly different properties. देखो क्या कहने का मतलब है। At present, more 114 elements known है, but 1800 सदी में 30 element known थे, और 30 को याद करना थोड़ा आसान था, क्योंकि अब तो 114 हो गए, इनको याद करना, इनकी property, इनका nature, इनका chemical behavior, ये कैसे react करेंगे, ये सारी चीजें याद रखना मुश्किल है। तो इनको याद रखने के लिए एक pattern की जरूरत पड़ी, उस pattern को कहते हैं periodic table। याद रखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? एक पैटर्न की, और उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो आजकल जो लेटेस्ट यूज हो रहा है वो ये वाला पीरियोडिक टेबल है, बट 1800 और 1900 में पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं था, कुछ चेंजेस थी और कुछ ड्रॉबैक्स थी। ये तो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको भी बने हुए नियर अराउंड आपका 50-60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से पीरियोडिक टेबल डिस्कवर करने की कोशिश की। तो उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट था डॉबर्नियस ट्रायड। देखो आप देख रहे होंगे डॉबर्नियस ट्रायड, डॉबर्नियस साइंटिस्ट का नाम है, और ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। देखो यहाँ पे दिखाया ना डॉबर्नियस ट्रायड,
तो इसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अब देखो ये क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। ही अरेंज नोन एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट द मास ऑफ मिडल एलिमेंट वॉज सेम एज द मीन ऑफ द मासेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। मतलब क्या है कहने का, देखो कहने का मतलब है कि जो ये डॉबर्नियर्स है, डॉबर्नियर्स ने जो अपनी रिसर्च की तो उसने बोला कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के हिसाब से अरेंज करूं, अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के हिसाब से अरेंज करूं तो जो मिडल एलिमेंट का मास है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, जो मिडल एलिमेंट का मास है वो रफली इक्वल टू द एवरेज मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट है। तो देखो मैंने यहाँ साइड पे ना, यहाँ साइड पे डॉबर्नियस ट्राइड लिखा है और 7 और 39 को ऐड करके इसका एवरेज निकाला तो ये 23 आ गया। तो जो 7 और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब मैंने एवरेज निकाला तो ये 23 आ गया ना, यानी मिडल के अप्रोक्सीमेटली बराबर आ गया। तो इससे हम कहते हैं डॉबर्नियस ट्राइड। चलो हम इसे याद करते हैं एक बार फटाफट, मेरे साथ बोलो, इसे लिख भी लो कॉपी में। व्हाट इज डॉबर्नियस ट्राइड? अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियस, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, देन एवरी देन द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, देन द एवरेज मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द अपना मिडल एलिमेंट। तो देखो यहाँ से ही अरेंज नोन एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट मास ऑफ मिडल एलिमेंट वॉज सेम एज द मीन मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स और फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। चलो इसे याद करो जरा फटाफट है। सी देखो कैसे होगा, आपको ये एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उसके टाइम पे ना नियर अराउंड 30 एलिमेंट्स नोन थे। तो उसके टाइम का ये है टेबल जो आप देख रहे हो ना, ये बना हुआ, ये डॉबर्नियस ट्राइड है। उसके उसने ट्राइड का, पहले तो मैं मतलब बताता हूँ। देखो ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ये होता है हमारा ट्राइड का मतलब। तो ये ट्राइड वन, ये ट्राइड टू, ये ट्राइड थ्री। अब देखो पहला ट्राइड लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ये ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स है, इसे ट्राइड कहते हैं। सोडियम का मास होता है 23, लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालूं, देखो फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये एवरेज आता है 46/2, 23। तो जो मेरा 23 आया है ना वो मिडल के बराबर आया है, इसके बराबर आया है, मिडल के बराबर आया है, बस यही उसने लॉ बना दिया। तो आपने इसमें ज्यादा नहीं सोचना क्योंकि ये फेल हो गया था। तो अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियस ट्राइड व्हेन थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग मास, व्हेन थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज रफली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। दैट्स इट। चलो लर्न करो एंड सुनाओ मुझे एंड नोट इट फास्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब सुनना इसको ध्यान से, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये उसके बाद आया जब डॉबर्नियस फेल हो गया, और न्यूलैंड के टाइम पे नियर अराउंड 56 एलिमेंट नोन थे। डॉबर्नियस के टाइम पे कितने नोन थे, 3030, और न्यूलैंड के टाइम पे कितने नोन थे, 56 एलिमेंट न्यूलैंड के टाइम पे नोन थे। देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, लॉ बनाएगा। ऑक्टेव्स, ऑक्टेव मतलब आठ, आठ आठ का ग्रुप बनाया था इसने। जो डॉबर्नियस था उसने तीन तीन का ग्रुप बनाया था, इसने आठ का ग्रुप बनाया था। अच्छा इसको आठ ग्रुप का आइडिया कैसे आया, तो मैंने यहाँ पे ना एक एनसीईआरटी बुक से एक इमेज डाली हुई है। देखो ये इमेज जरा ध्यान से, ये लिखा है सा रे गा मा पा धा नी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूलैंड था ना उसको म्यूजिक सुनने का शौक था, उसने म्यूजिक का पैटर्न देखा कि म्यूजिक में सात सुर होते हैं, हर आठवां सुर पहले सुर से मैच करता है, यानी सात सुर डिफरेंट होते हैं, एवरी एट सुर इज सिमिलर टू द फर्स्ट। तो उसने ऑक्टेव बना दिया, उसके बेसिस पे बनाया। देखो कैसे, अगर मैं इसे वन मान लूं तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद दोबारा से आऊंगा तो ये 8 हो गया।
यानी हाइड्रोजन के नीचे अगर मैं हाइड्रोजन को वन मान लूं तो फ्लोरीन एट्थ हो गया, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कहता है, ये लॉ सुनो ध्यान से, ये इसने ना म्यूजिकल नोट के बेस पे बनाया ये कंसेप्ट। ये कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, पीछे भी यही था, डॉबर्नेस ने भी तो यही बोला था मास, ये भी मास बोल रहा है, ध्यान से सुनना। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास देन एवरी एट्थ एलिमेंट, अगर ये फर्स्ट हो गया ना तो ये एट्थ हो गया, अगर ये फर्स्ट हो गया तो सोडियम एट्थ हो गया, अगर बेरिलियम फर्स्ट हो गया तो मैग्नीशियम एट्थ हो गया। कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस then every eighth element has same property as that of first, ये Dobernius अपना Newland law of octave है, ये भी fail हो जाता है बाद में क्योंकि सारे जितने element 56 known थे ये सबको arrange नहीं कर पाता है, तो इसकी limitation भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो लो देखो अब यहाँ से answer, Newland law of octave, he arranged known elements in order of increasing atomic masses in such a way that the property of every eighth element was same as that of first element. तो समझ में आ गया Newland law of octave क्या कहता है? According to Newland law of octave, when elements are arranged in the increasing order of their masses, then every eighth element has same property as that of first. अब देखो इसका failure क्या है? तो failure ना ये उसका table है, ये periodic table है अपना Newland का, पीछे आपको जो मैंने पढ़ाया था वो Dobernius का था, मॉडर्न तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी फेल हो गया बाद में ये वाला टेबल भी। तो देखो लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब फेलियर्स, क्या फेलियर है? दिस लॉ वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी जो वो बोलता है ना कि एवरी एट एलिमेंट है सेम प्रॉपर्टी, तो ये कैल्शियम तक ठीक है, मतलब यहाँ तक ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, एवरी एट एलिमेंट हैज नो सेम प्रॉपर्टी, नो सेम प्रॉपर्टी, नो सेम प्रॉपर्टी, ऐसे समझ सकते हो। तो पहला फेलियर है कि इसका जो टेबल था वो कैल्शियम तक एप्लीकेबल था और कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। दूसरा ड्रॉबैक, ही कंटेन्ड ओनली 56 एलिमेंट, ही कंटेन्ड ओनली 56 एलिमेंट्स, मतलब आप ये सपोज कर लो कि 56 एलिमेंट्स नोन थे एंड ही वाज नॉट एबल टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम। थर्ड ड्रॉबैक था, ही एडजस्टेड टू एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल इन सेम स्लॉट व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, उसने तीसरी गलती क्या की, जैसे मान लो ये सेम प्रॉपर्टी है तो ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल है ना, तो इसमें नॉन मेटल में मेटल डाल देते, जैसे कोबाल्ट और निकल, ये तो इनकी प्रॉपर्टी तो मैच ही नहीं करेगी नॉन मेटल से, ये मेटल है बीच में नॉन मेटल डाल दिया। तो थर्ड ड्रॉबैक था, ही एडजस्टेड टू एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल इन सेम स्लॉट व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब दो एलिमेंट उसने ऐसे डाल दिए एक स्लॉट में जिसकी प्रॉपर्टी ही नहीं मैच कर रही थी। ओके बेटा, नाउ लर्न इट, नाउ लर्न इट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, लर्न एंड नोट, देन आई विल आस्क। ओके फाइन, लो देखो बेटा पॉइंट नंबर टू को आप इलेबोरेट करो। देखो मैंने ये पॉइंट नंबर टू आपको सिर्फ ये बताया, ही कंटेन्ड ओनली 56 एलिमेंट, अब मैं इसका मैं मतलब भी बता रहा हूँ क्या मतलब है, आप ब्रैकेट में लिख लेना साइड में। यहाँ Newland ने ना यहाँ पे एक गलती की, पहला ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक, अपना तीसरा ड्रॉबैक, और जो दूसरा ड्रॉबैक है ना ये तो इसका बहुत ही मेजर ड्रॉबैक बन गया। ये कहता है इट कंटेन्ड ओनली 56 एलिमेंट, इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। उसने बोला कि जितने एलिमेंट्स नोन है इतने ही रहेंगे, फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट नहीं बनेगा, बट लेटर ऑन नए एलिमेंट बने। अब आप देखो कितने हो गए हैं, 118 हो गए हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट का ब्रैकेट में लिख लो, ही कंटेन्ड ओनली 56 एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो, ही सेड इन फ्यूचर नो न्यू एलिमेंट वुड डिस्कवर, ये उसका मेन ड्रॉबैक था। तो देखो टोटल कितने ड्रॉबैक बने, तीन। पहला ड्रॉबैक, his table was applicable up to calcium only and calcium के बाद ये सही से हो नहीं रहा था। third then second drawback, he said in future no new element would discover and at his time 56 were known, कहता है कि 56 ही रहेंगे, future में कोई नया नहीं बनेगा। तो ये उसका major drawback था, future में बहुत नए आ गए, अब तो 118 आ गए हैं। अच्छा, he adjusted two elements like cobalt and nickel in a स्लॉट विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि देखो ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में उसने मेटल डाल दिया तो उसके लॉ के कारण गड़बड़ हो गया ना। उसका लॉ कहता है एवरी एट एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट, तो ये नॉन मेटल है ये मेटल है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे मैच कर गई, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। तो अब मैं इसे आपसे सुनता हूँ, उससे पहले एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ और फिर सुनूंगा। तो देखो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।
Newland law of octaves. According to Newland law, when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then every eighth element has same property as that of first. इसको समझाने के लिए मैंने periodic table दिखाया यहाँ पे. आपको draw नहीं करना, सिर्फ समझना है. देखो, जैसे मान लो ये first है, तो first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth आ गया. तो every eighth has same property as that of first. तो ये law कहता है. तो law तो हमें समझ में आ गया कि जब हम elements को increasing mass के हिसाब से arrange करते हैं, तो every eighth element has same property as that of first. Failures. लिमिटेशन और फेलियर क्या होते हैं? देखो जो लिमिटेशन, वन, द टेबल वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. जो इसका लॉ था, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. पहला फेलियर. दूसरा मेजर फेलियर, ही कंटेन्ड ओनली 56 एलिमेंट एंड सेड इन फ्यूचर नो न्यू एलिमेंट वुड डिस्कवर. ये बोलना जरूरी है कि उसने बोला फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट नहीं बनेगा. ये सबसे मेजर ड्रॉबैक था. नंबर थ्री, उसने कोबाल्ट और निकल को ऐसे स्लॉट में डाला जहां प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी. तो ही एडजस्टेड टू एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल इन अ स्लॉट वेयर द प्रॉपर्टीज वर नॉट मैचिंग. एवरी एट हैज नॉट द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट. सो दिस वाज योर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. आगे अब देखो, जितना मैंने करवाया, इतना करवाने के बाद ये तीन क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको. क्वेश्चन नंबर वन, टू एंड थ्री. क्वेश्चन नंबर वन, थिंक योर ओन, कह रहा है डिड डॉबर्नियस ट्रायड एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड. तो न्यूलैंड को देखो, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यस है. जो डॉबर्नियस ट्रायड था वो इसमें भी तो आ रहा है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ रहा है इसमें, वो एलिमेंट आ रहे हैं. तो कहता है फाइंड आउट. तो आप यहाँ से लिख लेना. क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी हमारा नोट्स में कवर हो गया. अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का. टॉपिक का नाम है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. अब क्या होता है, आपका न्यूलैंड फेल हो गया, डॉबर्नियर फेल हो गया, बट साइंटिस्ट तो कोशिश कर ही जा रहे थे. अब एक और साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. इसने एक टेबल बनाया, वो टेबल काफी टाइम चला. मतलब इसने जो टेबल बनाया ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये नियर अराउंड 60 और 50 ईयर्स के आसपास चला, क्योंकि ये उस टाइम का सक्सेसफुल टेबल था. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलता है, यानी ये फेल हो गया फिर मॉडर्न आया. तो अब देखो न्यूलैंड का पहले हम लॉ पढ़ लेते हैं कि जो न्यूलैंड ने अपना मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसका बेस क्या था. पहले बेस पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे. तो सुनो ध्यान से. तो टॉपिक का नाम है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. याद कर लो इसको, लिख भी लो कॉपी में. इसका मैं मतलब समझाता हूँ क्या मतलब होता है. नाउ सी अगेन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इसका मतलब होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को मास के हिसाब से अरेंज करें तो कुछ इंटरवल के बाद, पीरियोडिक लिखा ना, पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मैच करेंगी. न्यूलैंड में भी तो ऐसा ही हो रहा था, एवरी एट एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी. तो इसने ये नहीं बताया कि एवरी एट एलिमेंट, बस इसने ये बोला कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के हिसाब से अरेंज करेंगे तो कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मैच करेंगी ऊपर से नीचे. जैसे ये ऊपर से नीचे मैच हो रही है ना, तो इसे ग्रुप कहते हैं. ऊपर से नीचे को हम कहते हैं ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, इस तरह से. तो एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं और आज इतना ही, फिर सुनते हैं. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट properties of the elements are periodic function of their atomic masses. क्या कहता है? States that properties of the elements are periodic function of their atomic masses. इसका meaning क्या है? कि अगर हम elements को increasing mass के हिसाब से arrange करेंगे तो कुछ interval के बाद उनकी properties match करेंगी group में. ये group है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे group. बस आज के lecture में इतना ही.